हेलो गाइस, वेलकम टू टीच मिस्टर महादेव चैनल। सो भाइयों, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ ओप्पो रीनो 8 सीरीज मोबाइल के बारे में, जो कि आपको ओप्पो की तरफ से 3 मोबाइल देखने के लिए मिल जाएगा बहुत ही जल्द। लेकिन ये मोबाइल आपको चाइना में सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। आपको 3 वेरियंट में ओप्पो रीनो 8, ओप्पो रीनो 8 प्रो, ओप्पो रीनो 8 प्रो प्लस 3 मोबाइल आपको चाइना में देखने के लिए मिलेगा, जो कि सबसे पहले आपको 23 मई को चाइना में लॉन्च हो जाएगा। और इंडिया में आपको इसका 2 वेरियंट देखने के लिए मिलेगा, रीनो 8, रीनो 8 प्रो, प्रो प्लस आपको शायद से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको इस वीडियो में कंफर्म बताने वाला हूँ ओप्पो रीनो 8 मोबाइल के बारे में, जो कि ये मोबाइल 5G और काफी बेस्ट मोबाइल है। रीनो 8 के बारे में ही बताने वाला हूँ इस वीडियो में, उसका प्राइसिंग, उसका स्पेसिफिकेशन, लॉन्च, सभी कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन ये आपको सबसे पहले बता दूं, ये वन प्लस नॉट 2T का रीब्रांडिंग होने वाला है और वही आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको वन प्लस नॉट 2T में देखने के लिए मिला था, वही आपको रीनो 8 में भी देखने के लिए मिलेगा। तो एक दूसरे को ये रिब्रांड कर रहे हैं ओप्पो और वन प्लस। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला ओप्पो रीनो 8 मोबाइल का फुल स्पेसिफिकेशन, फुल फ्यूचर। सो आप अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल के डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल के बारे में। तो ज्यादा आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा वन प्लस नॉट 2T में और इसके बिल्ड मटेरियल में, जो कि आपको सभी सेम देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलता है, उसमें भी आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलता था वन प्लस में। और टॉप लेफ्ट में बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप LED फ्लैश लाइट के साथ है। फ्रंट में आपको टॉप लेफ्ट में पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल ओवर लुक की बात करें तो काफी एक्सलेंट लुक ओप्पो वाले देते हैं और लुक वाइज ओप्पो के कंपेरिजन में कोई नहीं। लुक वाइज कितने भी प्राइस रेंज में मोबाइल लॉन्च करते हैं, वो गुड लुकिंग फोन ही लॉन्च करते हैं। इसमें आपको ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, गोल्ड कलर देखने के लिए मिलेगा। मोबाइल में कलरिंग भी आपको काफी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। मोबाइल गुड लुकिंग है और ठीक ठाक बिल्ड मटेरियल इसमें देखने के लिए मिलेगा। और डिस्प्ले की तरफ आते हैं, इस डिस्प्ले में आपको मिलने वाला है 6.43 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला AMOLED पैनल, 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिलेगा। HDR10+ HDR10+ का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। डिस्प्ले आपको प्राइस रेंज के हिसाब से कतई बेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। कंटेंट वॉचिंग अच्छे से कर सकते हो। डिस्प्ले इन एंड फील भी अच्छा होने वाला है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बल्कि भी नहीं है और गेम के लिए काफी मस्त होने वाला है। काफी अच्छा रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिलता है AMOLED स्क्रीन के साथ। कलरिंग भी आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके चिपसेट की बात करें तो आपको इसमें भी आपको सेम चिपसेट देखने के लिए मिलेगा, जो कि वन प्लस नॉट 2T में देखने के लिए मिलता है। इसमें भी आपको वही देखने के लिए मिलेगा, MediaTek Dimensity 1300 वाला 5G चिपसेट, जो कि काफी बेस्ट चिपसेट है, काफी स्टेबल चिपसेट है। 6nm फैब्रिकेशन के साथ आता है और इसमें ऑल ओवर सभी कुछ GPU, ग्राफिक्स कार्ड सभी कुछ आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको वन प्लस में देखने के लिए मिलता है, मिला था। LPDDR4X RAM देखने के लिए मिलेगा। UFS 3.1 का सपोर्ट है, आपको इसमें भी कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग, डे टू डे लाइफ में आपको काफी मक्खन स्मूथनेस देखने के लिए मिलने वाला है इसके परफॉर्मेंस के थ्रू। तो गेमिंग वाइज मोबाइल भी काफी अच्छा होने वाला है। इस मोबाइल के कैमरे की तरफ आते हैं, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक साइड में देखने के लिए मिलता है, जो कि पहला है प्राइमरी सेंसर, जो कि 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का माइक्रो कैमरा सेटअप आपको अच्छा यहाँ देखने के लिए मिलता है। लेकिन आपको इसमें रेयर में सेंसर आपको देखने के लिए मिलता है, सोनी का IMX766 वाला सेंसर देखने के लिए मिलता है। लेकिन आपको वन प्लस में OIS का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, इसमें भी आपको OIS का सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको 4K 30fps का वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है बैक साइड से, जो कि काफी अच्छी बात है। कैमरा सेटअप आपको काफी अच्छा यहाँ निकाल के परफॉर्मेंस देने वाला है। और फ्रंट में आपको 32MP का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, 1080 30fps का फ्रंट से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कैमरा सेटअप आपको यहाँ अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है, काफी अच्छी इमेज कैप्चरिंग डे लाइट में, नाइट कंडीशन में, दोनों जगह इमेज कैप्चर काफी अच्छा करते हैं ओप्पो के फोन। इसके बैटरी की तरफ आते हैं, इसमें आपको मिलेगा 4500mAh की बड़ी बैटरी नहीं और ठीक ठाक बैटरी परफॉर्मेंस यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ आपको 80W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलेगा USB Type-C के साथ। एक दिन का बैकअप आपको आराम से दे देगा और इसमें आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। बैकअप काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा, तो ये मोबाइल में आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। बैटरी काफी अच्छा होने वाला है इसका, बैटरी बचा के रखेंगे। और वन प्लस में आपको 3.5mm जैक देखने के लिए नहीं मिला था, इसमें आपको 3.5mm जैक देखने के लिए मिल सकता है, कंफर्म नहीं है लेकिन मिल सकता है। आपको डबल स्टूडियो स्पीकर देखने के लिए मिलेंगे, स्पीकर वाइज काफी लाउड स्पीकर होगा, काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा स्पीकर वाइज। इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिलेगा, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS सभी कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। मोबाइल काफी अच्छा है
और ये आपको एंड्रॉयड 12 के साथ मिलने वाला है कलर ओएस के साथ, जो कि काफी बेस्ट आपको सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऑक्सीजन ओएस से, इसमें भी आपको सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 देखने के लिए मिलता है, आपको काफी अच्छे सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें आपको वेरिएंट और प्राइसिंग की बात करते हो तो ये आपको दो वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा, 6128, 8128। इसके प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग आपको इंडिया में बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है, 32-35,000, 30-35 के रेंज में मोबाइल लॉन्च हो सकता है कंफर्म। और ये आपको कब देखने के लिए मिलेगा, जून जुलाई में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अभी मई में ही चाइना में लॉन्च होगा 23 मई को, और इंडिया में आपको एक दो महीने के बाद ही देखने के लिए मिलेगा कन्फर्म। सो गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अपने भाई की चैनल को टीच में मार महादेव चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन दबा देना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।